हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे अबाउट द रोल ऑफ नर्स इन क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस इंटरवेंशन में एक नर्स का क्या रोल रहता है, इसके बारे में आज अपन बात करेंगे। आप लोगों को प्रीवियस दो क्लासों में क्राइसिस के बारे में डिस्क्राइब करके पूरा बता दिया है कि क्राइसिस के क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या उसकी टेक्निक्स होती है, कौन कौन से उसके मॉडल्स होते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं क्राइसिस इंटरवेंशन में। आज डिस्कस करेंगे अबाउट द रोल ऑफ नर्स इन क्राइसिस इंटरवेंशन। एज ए नर्स आपका क्या रोल रहता है क्राइसिस इंटरवेंशन की प्रोसेस में, ठीक है। सबसे पहले अबाउट द इंट्रोडक्शन। क्राइसिस इंटरवेंशन टेक प्लेस इन बोथ इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट सेटिंग, सो इट इज़ मैंडेटरी फॉर ए नर्स टू हैव नॉलेज ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन टेक्निक्स। क्राइसिस इंटरवेंशन जो है वो आप दोनों के लिए यूज़ में लेते हो, कैसे, एक तो अबाउट द पेशेंट और उसके अलावा आउट पेशेंट सेटिंग्स में, मतलब कि एक्सटर्नली इन्वायरमेंट में जो पेशेंट क्राइसिस की सिचुएशन में जा सकता है उसके लिए आप उसको कैसे अपडेट करोगे या कैसे उसको सेट करोगे। एक नर्स को क्राइसिस इंटरवेंशन की टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है कि कौन कौन सी टेक्निक्स का अपन यूज़ करते हैं क्राइसिस इंटरवेंशन में, तो एज ए नर्स आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो क्राइसिस इंटरवेंशन में। जैसे कि आपको मैंने बताया था, क्लेरिफिकेशन बताया था और लिस्निंग बताया था, और ये बहुत सारी टेक्निक्स थी जिसके बारे में अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो ये तो बात हुई क्राइसिस इंटरवेंशन की टेक्निक के बारे में। लाइकवाइज एनी अदर नर्सिंग प्रोसेस, द रोल ऑफ नर्स इन क्राइसिस रिसोल्यूशन इज एक्सप्लेन्ड बाय फोर फेजेस। अगर कोई भी जैसे नर्सिंग प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो उसमें जो रोल ऑफ नर्स की अगर अपन बात करें तो रोल ऑफ नर्स क्राइसिस रिसोल्यूशन में फोर फेजेस के अकॉर्डिंग लिया जाता है, ठीक है। उन फोर फेजेस की अगर अपन बात करें तो वो कौन कौन सी हैं, नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग इंटरवेंशन और इवेल्युएशन। आज अगर कोई नर्स अगर किसी पर्सन की क्राइसिस सिचुएशन होती है तो उस क्राइसिस की सिचुएशन में वो नर्सिंग प्रोसेस का यूज़ करके, मतलब नर्सिंग असेसमेंट में, नर्सिंग डायग्नोसिस में, नर्सिंग इंटरवेंशन में और इवेल्युएशन में, इन चारों स्टेप्स का यूज़ करके वो पर्सन की क्राइसिस की सिचुएशन में जाने से उसको रोक सकती है, ठीक है। और इन स्टेप्स में वो एज ए नर्स आपका बहुत सारा रोल रहता है क्राइसिस इंटरवेंशन प्रोवाइड करवाने में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नर्सिंग असेसमेंट। ड्यूरिंग दिस फेज नर्स मेनली असेस द फॉलोइंग पॉइंट्स। जब आप किसी पेशेंट को असेस करने जा रहे हो अबाउट द क्राइसिस, जो उसकी क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसके बारे में जब आप असेस करने जा रहे हो तो आपको किस किस टाइप से क्राइसिस को असेस करना है। फर्स्ट वन, टाइप ऑफ क्राइसिस। मैंने आपको बताया था सिचुएशनल क्राइसिस, डेवलपमेंटल क्राइसिस, मैच्योरेशनल क्राइसिस, तो उसमें से उस पर्सन को किस टाइप का क्राइसिस हो रहा है, मींस जैसे कि उसको एक फेज से दूसरी फेज में नहीं जाने में आ रहा। डेवलपमेंटल क्राइसिस में क्या बताया था मैंने, जैसे कि मान लीजिए वो इन्फेंट है या फिर एडोलसेंस है। मेनली जो डेवलपमेंटल क्राइसिस होता है वो किस में होता है, एडोलसेंट में होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, उसको रोल कन्फ्यूज़न हो जाता है और वो अपनी आइडेंटिटी गेन नहीं कर पा रहा है। तो ये टाइप जो है वो डेवलपमेंटल क्राइसिस में सबसे मेन टाइप होता है। तो सबसे फर्स्ट वन, जब भी आप किसी पेशेंट को असेस करने जा रहे हो तो उसमें सबसे पहले आपको क्या असेस करना है कि पेशेंट को किस टाइप का क्राइसिस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड वन अपन बात करते हैं सीवियरिटी ऑफ क्राइसिस। सीवियरिटी ऑफ क्राइसिस मीन्स, सीवियरिटी ऑफ क्राइसिस मीन्स उसमें माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर कौन से टाइप से क्राइसिस हो रहा है, मीन्स वो सीवियरली उसके बारे में डिप्रेस्ड है या उसके माइंड में सुसाइडियल आइडिएशन आ रहे हैं या वो एक्सटर्नली जो भी इन्वायरमेंट है उनका रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, उसके पास सपोर्ट ग्रुप अवेलेबल नहीं है या उसका जो भी स्ट्रेस उसके माइंड में आया है उसका परसेप्शन वो सही से नहीं कर पा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को क्या है,
नर्स को असेस करना है। तो फर्स्ट वन, जब भी नर्सिंग असेसमेंट एज ए नर्स करने लगे तो सबसे फर्स्ट वन असेसमेंट क्या होगा, टाइप ऑफ क्राइसिस। टाइप ऑफ क्राइसिस मींस किस टाइप का क्राइसिस उस पेशेंट में है, उसका ध्यान रखना है। सेकंड वन, सीवियरिटी ऑफ क्राइसिस। सीवियरिटी ऑफ क्राइसिस मींस किस लेवल तक उस पर्सन को क्राइसिस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन, फिजिकल एंड मेंटल स्टेटस। फिजिकल एंड मेंटल स्टेटस से मींस है कि जो पर्सन है जो क्राइसिस की सिचुएशन में जा रहा है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फिजिकल वर्कआउट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे लाइक अगर वो क्राइसिस किसी लव्ड वन की या पेरेंट्स की डेथ हो गई, ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम वो अपनी जॉब में इन्वॉल्व हुआ या नहीं हुआ, वो अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या जहाँ उसके कलीग्स हैं वहाँ उसका मेंटल स्टेटस चेक करना है कि वो सबसे बात करता है या नहीं करता है, सबके पास रहता है या बैठता है या नहीं बैठता है। तो इस तरीके से क्या करना है, उसको असेस करना है किस बारे में, फिजिकल एंड मेंटल स्टेटस ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है रेस्पॉन्स ऑफ पर्सन टू क्राइसिस। जब पर्सन क्राइसिस की सिचुएशन में जाता है तो आपको असेस करना है कि वो कैसे रेस्पॉन्स कर रहा है। दैट मींस जैसे कि अगर जैसे पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में उसमें साइलेंस ही तो नहीं है, या फिर वो ये तो नहीं कह रहा है कि अब मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा, उसके पास सपोर्ट ग्रुप है या नहीं है। तो जो पर्सन को क्राइसिस की सिचुएशन हो रही है उस सिचुएशन में उसको ये देखना है कि वो उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को वो पर्सन अच्छे से रेस्पॉन्स दे रहा है या अनरेस्पॉन्सिव होकर और उसका जो वर्क है वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। उस सिचुएशन को अगर वो हैंडल नहीं कर पा रहा है तो उस चीज़ को आपको सबसे पहले असेस करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन देखिए, प्रेसिपिटेटर्स ऑफ क्राइसिस। प्रेसिपिटेटर्स यानी कि उस चीज़ को, मतलब उस क्राइसिस को जो क्रिएट हुई है, जो क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट हुई है उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्वॉल्व हुए, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस क्राइसिस की सिचुएशन को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो आपको देखना है प्रेसिपिटेटर्स ऑफ क्राइसिस के बारे में भी आपको जानना है, ठीक है। उसके बाद में आपको असेस करना है नर्स एज ए नर्स अबाउट द पेशेंट सुसाइडियल आइडिएशन। जो पर्सन जिसको क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट हुई है उसके अंदर कहीं सुसाइडियल आइडिएशन तो नहीं आ रहे हैं, इस चीज़ को भी आपको एज ए नर्स क्या करना है, असेस करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉजेज ऑफ क्राइसिस। कॉजेज ऑफ क्राइसिस में क्या है, फर्स्ट आपको असेस ये भी रखना है कि मैरिटल अफेयर्स की वजह से या मैरिटल डिस्टरबेंस की वजह से तो नहीं है, या किसी लव्ड वन की डेथ की वजह से तो नहीं है, या लॉस ऑफ जॉब की वजह से तो नहीं है। तो किस कॉज से, किस कॉज के कारण उस पर्सन को क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये चीज़ भी आपको असेस करनी है, ठीक है। उसके बाद में पेशेंट्स लेवल ऑफ एंजाइटी। जब भी पर्सन को क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट होती है तो एज ए नर्स आपको असेस करना है पेशेंट की एंजाइटी लेवल को। पेशेंट की एंजाइटी लेवल को आपको असेस करना है कि इसमें जो एंजाइटी लेवल है इस पेशेंट में वो कहीं ज़्यादा मॉडरेट या सीवियर, कौन सी लेवल में उसको एंजाइटी क्रिएट हो रही है, मतलब चीज़ों को परफॉर्म करने में जो जितना वो पहले एक्टिव था उतना एक्टिव अब है या नहीं है। तो आपको पेशेंट की क्या चेक करनी है, लेवल ऑफ एंजाइटी भी आपको चेक करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, पेशेंट कोपिंग स्ट्रेटजी। कोपिंग स्ट्रेटजी से क्या मींस है, आपको पढ़ाया गया है डिफेंस मैकेनिज्म। तो हर एक पर्सन जब भी एंजाइटी कोज करता है, जब भी उसमें क्राइसिस की सिचुएशन आती है, तो वो क्या करता है, वो उस कोपिंग स्ट्रेटजी यानी कोपिंग मैकेनिज्म का यूज़ करके उस सिचुएशन को हैंडल करता है। जैसे कि अगर कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो ये मेरे साथ ही थोड़ी होता है, और के साथ भी हो सकता है। जैसे कि बहुत सारी डिफेंस मैकेनिज्म होती है, रेशनलाइजेशन करके या फिर आइडेंटिफिकेशन करके या प्रोजेक्शन करके, ये बहुत सारी डिफेंस मैकेनिज्म होती है जो यूज़ करके पर्सन क्या है, क्राइसिस की सिचुएशन से निकल सकता है। तो आपको असेस करना है कि पेशेंट कौन सी कोपिंग स्ट्रेटजी का यूज़ करना है, या कौन सी कोपिंग स्ट्रेटजी का पेशेंट यूज़ कर रहा है, वो एज ए नर्स आपको असेस करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अवेलेबल सपोर्ट सिस्टम। जो
पेशेंट क्राइसिस की सिचुएशन में जा रहा है उसके बारे में आपको उसके सपोर्ट ग्रुप, उसकी फैमिली के बारे में, उसके फ्रेंड्स के बारे में, उसके नेबर्स के बारे में आपको असेस करना है कि उसके पास कौन से सपोर्ट सिस्टम उसके पास अवेलेबल हैं। ये सारी चीज़ें एज ए नर्स आपको असेसमेंट करनी होती है जो पर्सन क्राइसिस की सिचुएशन में जा रहा होता है। मैं आपको वापस बता दूँ, टाइप ऑफ क्राइसिस, कौन से टाइप का क्राइसिस पर्सन में हुआ है, सीवियरिटी ऑफ क्राइसिस, सीवियरिटी यानी लेवल, किस लेवल कितनी है क्राइसिस की, फिजिकल और मेंटल स्टेटस जो है वो पर्सन का चेक करना होता है कि क्या फिजिकल और मेंटल स्टेटस है पेशेंट का, रेस्पॉन्स ऑफ पर्सन टू क्राइसिस, क्राइसिस की सिचुएशन में पर्सन का क्या रेस्पॉन्स रहा वो आपको असेस करना है। उसके अलावा प्रेसिपिटेटर्स ऑफ क्राइसिस, क्या क्या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स रहे जो इस क्राइसिस की सिचुएशन को कोज करे। उसके बाद में पर्सन में सुसाइडियल आइडिएशन तो नहीं आ रहे हैं क्राइसिस के दौरान। नेक्स्ट वन, कॉजेज ऑफ क्राइसिस, क्या क्या कॉजेज रहे उस पर्सन के, कौन सा पर्टिकुलर मेन कॉज है जो उस क्राइसिस को, सिचुएशन को क्रिएट करता है। उसके बाद पेशेंट्स लेवल ऑफ एंजाइटी, पेशेंट की क्या है लेवल ऑफ एंजाइटी आपको असेस करनी है। उसके बाद पेशेंट्स कोपिंग स्ट्रेटजीज, यानी कि कौन सी कोपिंग स्ट्रेटजी पेशेंट यूज ले रहा है। और उसके बाद में अवेलेबल सपोर्ट सिस्टम, अवेलेबल सपोर्ट सिस्टम से क्या मतलब है कि उस क्राइसिस की सिचुएशन में आपको असेस करना है कि उसके पास सपोर्ट ग्रुप कौन कौन से अवेलेबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, जब नर्सिंग असेसमेंट की बात आ जाती है तो सेकंड वन आपने क्या पढ़ते हो, नर्सिंग डायग्नोसिस। तो डाटा एनालिसिस ऑफ असेस्ड इंफॉर्मेशन लीड टू नर्सिंग डायग्नोसिस, कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस आर, मतलब आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना होता है एज ए नर्स, ठीक है। तो एज ए नर्स आप नर्सिंग डायग्नोसिस बनाओगे तो आपके फॉलोइंग कुछ कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस रहेंगे, जैसे कि एंजाइटी के बारे में, फर्स्ट वन कौन सी होती है एंजाइटी, सेकंड वन कौन सा है फियर, थर्ड वन होपलेसनेस, कौन सी है होपलेसनेस, फोर्थ वन पावरलेसनेस, कौन सी है फोर्थ वन पावरलेसनेस, नेक्स्ट वन डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न, अगर पेशेंट का पैटर्न जो है स्लीप पैटर्न वो डिस्टर्ब हो जाता है तो डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न, और लास्ट वन इन इफेक्टिव इंडिविजुअल कॉपिंग, मतलब पर्सन में कॉपिंग स्ट्रेटजी जो यूज ली थी वो इन इफेक्टिव रही, इफेक्टिव नहीं रही। तो ये डायग्नोसिस पर्सन के आपको बनाए थे हैं जो क्राइसिस की सिचुएशन में पेशेंट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं इंटरवेंशन। एज ए नर्स आपको जब क्राइसिस इंटरवेंशन आप प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आपको कौन कौन से क्राइसिस इंटरवेंशन आपको एज ए नर्स प्रोवाइड करवाने होते हैं। फर्स्ट वन, द गोल ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन इज टू री एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम और बैलेंस, द नर्सिंग इंटरवेंशन टू अचीव दिस गोल आर एज फॉलोइंग, मतलब कि आपको जो क्राइसिस इंटरवेंशन प्रोवाइड करवाते हैं उसका एक गोल होता है, और वो गोल क्या होता है आपको री एस्टैब्लिश करना होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम और बैलेंस करना होता है पेशेंट की सिचुएशन को। मींस क्राइसिस की सिचुएशन से पहले जैसे पेशेंट बिहेव करता था, जैसे वर्क करता था फिजिकली साइकोलॉजिकली, वैसे आपको वापस उसका री एस्टैब्लिशमेंट करना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन में फर्स्ट वन, एस्टैब्लिश ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद पेशेंट। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो पर्सन क्राइसिस की सिचुएशन में है उससे सबसे पहले ट्रस्टफुल रिलेशनशिप आपको पेशेंट के साथ मेंटेन करना है। इससे क्या होगा, अगर ट्रस्टफुल रिलेशनशिप आपके रहेंगे तो जो भी बात होगी वो आपको ट्रुथ और सही कम्युनिकेट करने से, सही तरीके से वो आपको सारी बात बताएगा। तो उससे क्या है, आपको उसके लिए उसमें ट्रस्टफुल रिलेशनशिप पेशेंट के साथ मेंटेन करना होगा, एस्टैब्लिश करना होगा, ठीक है। सेकंड वन, एक्टिवली लिसन द प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट एंड हिज फैमिली, इट इज़ चैलेंजिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, मतलब जो पेशेंट की प्रॉब्लम है उसको आपको एक्टिवली लिसन करना है, ध्यान से सुनना है। एक्टिवली लिसन द प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट एंड हिज फैमिली, उसकी फैमिली की और उसकी प्रॉब्लम को आपको बहुत ध्यान से सुनना है, और ये एक चैलेंजेबल और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल होता है। क्यों, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम को सुनना, उससे सारी बात को जानना और उसके फैमिली के साथ भी इन्वॉल्व होना, ये एक चैलेंजेबल कॉन्सेप्ट है। अगर आप पर्सन एज ए नर्स अगर इस कॉन्सेप्ट को गेन करता है तो उसमें बहुत अच्छा स्किल इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन बात करते हैं, एनकरेज एंड होनेस्ट डिस्क्लोजर एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, मीन्स एनकरेज एंड होनेस्ट डिस्क्लोजर एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब उसके लिए आपको ईमानदार होना पड़ेगा। इनसे क्या होगा कि और उसको
जो कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स जो भी आपकी जो आपको वो पर्सनल थिंग्स आपको शेयर कर रहा है, वो पर्सनल थिंग्स आपको आपकी ईमानदारी से आपको अपने पास रखनी होगी। इन चीज़ों को क्या होता है, किसी को शेयर नहीं करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन, डू नॉट अटेम्प्ट टू अवॉइड इमोशनल रिएक्शन सच एज एंगर और क्राइंग। जब भी वो इमोशनल हो, ठीक है, जैसे कि किसी चीज़ को वो बताते हुए रोने लग जाए या किसी बात पे वो गुस्सा हो जाए, तो उस रिएक्शन को क्या करना है, उसको अवॉइड नहीं करना है। ठीक है, उसके साथ रिएक्ट आउट करना है, उसके साथ रहना है, एक तरीके से उसको क्या करना है, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपको उस समय उस टाइम आपको प्रोवाइड करवाना है। ऐसा नहीं है कि अगर वो गुस्सा कर रहा है या क्राई कर रहा है तो आप उसको कोई रिएक्ट आउट नहीं करो, कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो उससे क्या होगा, उसको ऑनेस्टी वाली फीलिंग नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट वन, ए चेंज इन एनवायरनमेंट में सर्व टू एलिविएट स्ट्रेस एंड में प्रोड्यूस ए सेंस ऑफ कंफर्ट। आप जब उस क्राइसिस की सिचुएशन में जो पेशेंट है, उस पेशेंट को अगर आप उसको एनवायरनमेंटली चेंजेस प्रोवाइड करवाते हो, पर्सन के पास जो एनवायरनमेंट है, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, उस एनवायरनमेंटल स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंटल सिचुएशन में अगर आप चेंजेस करते हो, तो वो क्या है, वो पेशेंट को एक कंफर्टेबल क्या देती है, सेंस देती है। मतलब कंफर्ट पेशेंट को क्या होता है, पेशेंट को कंफर्ट फील होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, सपोर्ट द पेशेंट इन यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म दैट सपोर्ट एंड एडेप्टिव एडजस्टमेंट। मीन्स सपोर्ट द पेशेंट इन यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म दैट सपोर्ट एंड एडेप्टिव एडजस्टमेंट। मैंने क्या बताया, बहुत सारी डिफेंस मैकेनिज्म होती है जो पेशेंट के द्वारा यूज में ली जाती है, और जब एज ए नर्स अगर आप जब भी आपको लगता है कि ये पेशेंट इस वाली डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ ले रहा है, तो उस डिफेंस मैकेनिज्म का जब भी वो यूज़ ले तो उसे क्या करना है, उसे सपोर्ट प्रोवाइड करना है, और उसे क्या करना है, वो उसको एडजस्टमेंट करने में, उस सिचुएशन को हैंडल करने में उसकी बहुत बड़ी मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेवर क्रिटिसाइज द पेशेंट मेथड ऑफ कोपिंग एट ए टाइम ऑफ क्राइसिस। जब भी पेशेंट क्राइसिस की सिचुएशन में होता है, तब वो अपनी पूरी कोशिश करता है क्या, सिचुएशन को हैंडल करने की, ठीक है, और कोपिंग स्ट्रेटजी या डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ लेने की। बट उस समय आपको क्या करना है, नेवर क्रिटिसाइज, मतलब उसको प्रेशराइज्ड नहीं करना है, नहीं तुम ऐसे सोचो, नहीं तुम ऐसे करो, तो इससे क्या होगा, उसको क्रिटिसाइज करने की सिचुएशन में जब भी आप उसको ज़्यादा क्रिटिसाइज करोगे, क्या होगा, पर्सन और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगा, और ज़्यादा स्ट्रेस में आएगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है, एज ए नर्स आपको कभी भी उसको पेशेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन, बी अवेयर ऑफ क्राइसिस ग्रुप इन देयर लोकल कम्युनिटीज फॉर रेफरेंस पर्पज। मतलब बी अवेयर ऑफ क्राइसिस ग्रुप इन देयर लोकल कम्युनिटीज फॉर रेफरेंस पर्पज, मतलब उनकी जिस एरिया में, जिस लोकल कम्युनिटी में पर्सन जो है, जो क्राइसिस की सिचुएशन में आया है, तो उसको क्या करना है, अवेयर करना है, जो लोकल ग्रुप्स होते हैं क्राइसिस की सिचुएशन के लिए, उन लोकल ग्रुप्स के बारे में उसको अवेयर करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट वन, जो इंटरवेंशन आप प्रोवाइड करवाना होता है एज ए नर्स, यूज एक्सेप्टेंस सिंपैथी रीअश्योरेंस टू प्रोवाइड जनरल सपोर्ट टू पेशेंट। पेशेंट को क्या है, आपको जैसा होता है, जैसे पेशेंट की सिचुएशन है, जैसे वो बार बार एंगर होता है, बार बार क्राई होता है, तो उस सिचुएशन में ही आपको पेशेंट को एक्सेप्ट करना है और उसके लिए सिंपैथी रखनी है और रीअश्योरेंस देना है। हाँ ठीक है, रीअश्योरेंस कैसे, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो ऐसे क्या है, उसको एक जनरल सपोर्ट जो है, उस जनरल सपोर्ट को आपको पेशेंट को प्रोवाइड करवाना है एज ए नर्स। ठीक है, नेक्स्ट वन, यूज़ वेरियस टेक्निक्स ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन। आपको बहुत सारी टेक्निक्स बताई क्राइसिस इंटरवेंशन की, वो कौन कौन सी है, जैसे कि कैथरेसिस, क्लेरिफिकेशन, मैनिपुलेशन, रीइंफोर्समेंट एंड एक्सप्लोरेशन। इसमें क्या होता है, कैथरेसिस, जैसे कि अगर उसकी कोई डी फीलिंग है जो वो शेयर नहीं कर पाता है, तो उसे क्या है, कैथरेसिस वाली टेक्निक्स का यूज़ करके उसकी जो डी फीलिंग होती है उसके बारे में आप जान सको, उसे क्लेरिफाई करा सको, उसको मैनिपुलेट कर सको, चेंज कर सको उसकी फीलिंग, उसकी थॉट्स को, कि जो उसके साथ जो उसको लगता है कि ये गलत हो रहा है मेरे साथ, उसको ये मैनिपुलेट कर सको कि ये गलत नहीं है, ये बहुत सारे पर्सन्स के साथ होता है, ये एक कंडीशन है जो कभी भी हो सकती है। रीइंफोर्समेंट करना और एक्सप्लोरेशन करना, यानी कि और उस चीज़ को और अच्छे से समझना पेशेंट के बारे में, तो ये चीज़ें क्या है, ये कुछ टेक्निक्स हैं जो एज ए नर्स आपको यूज़ में ली जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन,
आइडेंटिफाई फीलिंग ऑफ एंगर, गिल्ट एंड होपलेसनेस एंड नॉट टू रीइंफोर्स दीज फीलिंग्स। हाँ, मतलब जो पेशेंट है, जो क्राइसिस की सिचुएशन में पेशेंट है, उसको क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना उसकी फीलिंग्स के बारे में, वो गुस्सा है, वो गिल्ट है अपने आप में, या वो होपलेसनेस हो चुका है। और जबकि उन चीज़ों को पहचानने के बाद आपको उसको रीइंफोर्स उन चीज़ों के बारे में नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि अगर उसको फीलिंग, जैसे आपको असेसमेंट होता है कि पर्सन जो है, जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसके बारे में गिल्ट है, अब तो गिल्ट वाली फीलिंग को क्या करना है, उसको बार बार उस चीज़ को असेस नहीं करवाना है, ठीक है। एक बार आप उसको असेस कर लो, फिर उसको दूर करने का आपको इंटरवेंशन प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, हेल्प पेशेंट टू आइडेंटिफाई न्यू सोशल सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम होम इमेजिन सपोर्ट ड्यूरिंग क्राइसिस। पर्सन को जो क्राइसिस की सिचुएशन में है, उस पेशेंट की आपको हेल्प करनी है आइडेंटिफाई करवाने में। किस चीज़ को आइडेंटिफाई करवाने में? न्यू सोशल सपोर्ट सिस्टम, जो सोसाइटी का जो सपोर्ट सिस्टम है, उसको न्यू सपोर्ट सिस्टम को आइडेंटिफाई कराने में पेशेंट की हेल्प करवानी है, जिससे वो क्राइसिस की सिचुएशन में वो उसकी सपोर्ट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट वन, गाइड द पेशेंट थ्रू कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, इट मे ब्रिंग पॉजिटिव लाइफ चेंजेस। मतलब पेशेंट को आपको गाइड करना है, जिसमें क्या है, जो प्रॉब्लम है उसका, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, मतलब कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस आपको यूज़ में लेनी है। इससे क्या होगा, ये हेल्पफुल रहेगा और उसके लाइफ में क्या है, पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये हुए कुछ इंटरवेंशन जो आपको प्रोवाइड करवाने होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इवेल्युएशन की। फर्स्ट वन, इवेल्युएशन इज़ डन टू असेस द आउटकम ऑफ थेरेपी, वेदर इट इज़ सक्सेसफुल और नॉट। जैसे कि लास्ट वन, जो पर्सन एजेंट्स आपका रोल रहता है, इवेल्युएट करते हैं कि जो भी आपने इंटरवेंशन प्रोवाइड की है वो सक्सेसफुल रही है या नहीं है, इस चीज़ के बारे में आपको इवेल्युएट करना होता है। जैसे कि फर्स्ट वन, हैव द पेशेंट कम बैक टू प्री क्राइसिस कंडीशन, क्या कंडीशन को इवेल्युएट करो कि क्या वो प्री क्राइसिस की सिचुएशन में वापस गेन कर चुका है, मतलब क्राइसिस से पहले जैसा उसका फिजिकली, साइकोलॉजिकली, मेंटल जो भी उसका प्रोसेस था वो नॉर्मल हो चुका है या नहीं हो चुका है। सेकंड वन, हैव द पेशेंट लर्न मोर इफेक्टिवली कोपिंग मैकेनिज्म, पर्सन ने जो कोपिंग स्ट्रेटजी यूज़ में लेना है वो मोर इफेक्टिवली यूज़ में लेना लर्न किया है या नहीं किया है, ये चीज़ आपको इवेल्युएट करनी है। नेक्स्ट वन, कैन द इंडिविजुअल डिस्क्राइब द रिस्पॉन्स टू फ्यूचर क्राइसिस सिचुएशन, और क्या लर्न कर चुका है इंडिविजुअल की फ्यूचर में अगर क्राइसिस की सिचुएशन होती है तो उसको कैसे रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, समटाइम आफ्टर द क्राइसिस रिसोल्यूशन पेशेंट सीक टू कंटिन्यू थेरेपी, इन दिस कंडीशन नर्स कैन प्रोवाइड रेफरल इंफॉर्मेशन। और आपको ध्यान रखना है कि क्राइसिस की सिचुएशन जब भी क्रिएट होती है उसके कुछ समय बाद भी पेशेंट को कंटिन्यू रखनी होती है थेरेपी, क्योंकि इसमें क्या होता है, नर्स कैन प्रोवाइड रेफरल इन्फॉर्मेशन। इससे क्या है, रेफरल इन्फॉर्मेशन पर्सन जो है, नर्स जो है वो प्रोवाइड करवा सकती है, ठीक है। तो एज ए नर्स आपको क्राइसिस की सिचुएशन जब क्रिएट होती है तो उसको चार टाइप से आप एज ए नर्स रोल कर सकते हैं, और वो चारों फेजेस कौन कौन सी है, असेसमेंट, डायग्नोसिस, इंटरवेंशन एंड इवेल्युएशन, ठीक है। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।